सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जी के जी एस एन जी ए हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन सो आज अगस्त के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि 30 बेस्ट सिलेक्टिव एम होंगे इसका जो पीरियड होगा वो हो सिक्सटीन टू ट्वेंटी अगस्त का होगा सो so चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताइवान हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय द लेटेस्ट 66 F16 जेट फ्रॉम विच कंट्री सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका ताइबान ने अमेरिका से 66 नंबर ऑफ F16 फ्लाइट्स जेट खरीदने का एग्रीमेंट किया है सो so, ताइबान का कैपिटल क्या है ताइपे ताइबान का लैंग्वेज क्या है मैनडेर चाइनीज एंड उसकी करेंसी क्या है न्यू ताइबान डॉलर ठीक है तो ताइबान ने किससे खरीदने का एग्रीमेंट किया है अमेरिका से कितना नंबर ऑफ सिकेट फ्लाइट 66 नंबर ऑफ जेट फ्लाइट अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकिड मार्टन को अगले 10 साल तक एफ सिक्सटीन विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का 62 अरब डॉलर रुपीज का ठेका दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है विच लेट बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली बिन ऑनर्ड बाई द कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुशांत सिंह राजपूत कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है आपको पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी अभी 16 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटका मिला था जिसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है विच टू इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक है आप लोगों सब को सबको पता है कि अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना है।, तो है, तो है उन्होंने वर्ल्ड कप 2007 टी20 वर्ल्ड कप एंड 2013 थाउजेंड चैंपियंस ट्रॉफी में काफी बड़ा योगदान दिया है सुरेश रैना भी एक बहुत ही अच्छे भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अप्रोक्स सेवन रन बनाए थे So, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज बिन गिवेन एडिशनल चार्ज ऑफ़ विच स्टेट किस स्टेट का एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें सो गोवा का एडिशनल चार्ज भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है ठीक है तो so अभी महाराष्ट्र के करंट राज्यपाल कौन है भगत सिंह कोश्यारी और इनको गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है ये 2014 लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से विन भी हुए थे जीते भी थे तो so फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब द अल्टीमेट फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे फ्यूचर में आई रियली अश्योर यू सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है रिसेंटली विच हैज पी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी एस के कौमुदी वी एस के कौमुदी को स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नियुक्त किया गया है सो so, अभी जो वी एस के कौमुदी वो किस पद पर अभी कार्यरत थे so, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी ठीक है so, सो वी एस के कौमुदी आंध्र प्रदेश के कैडर के 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स आई क्यू आईवाई और टैनसेंट पर बैन लगा दिया हैशनल सिक्योरिटी सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ताइबान आप कंफ्यूज मत होना भारत इसका एंसर नहीं है भारत ने कुछ अदर एप्स बंद किए थे बट ये दो एप्स के इसको ताइबान ने बंद किया है ठीक है, so, ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आई क्यू आई के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताइबान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभावी वाल, प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइबान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है सो so, फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक जी को अभी मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है अभी करेंटली ये गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक और अभी इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 19 तक जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और मलिक इक्कीस अप्रैल उन्नीस से दस नवंबर नाइनटीन तक केंद्रीय राज्य मंत्री संसदीय और पर्यटन भी रह चुके हैं

जीपी गर्ग जी जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है आप सभी को पता होगा कि सेबी के हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई में है और इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1988 में बट सेबी हैज गॉट द स्टेचुटरी पावर इन 1992 थ्रू सेबी एक्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन स्वच्छ सर्वेक्षण दो के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है अकॉर्डिंग टू क्लीन सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ क्लीनेस्ट सिटी सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी एज पर क्लीन सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी जो मध्य प्रदेश का इंदौर है वह लगातार चौथी बार आप याद रखेंगे लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर का अवार्ड इनको दिया जा चुका है So, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन में से किस भारतीय क्रिकेटर को सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरभजन सिंह हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर e so, e अपॉइंट किया गया है सो ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ये स्टार्टअप कंपनी e है ई बाइक गो क्या है स्टार्टअप कंपनी है जो कि ई वाहन के लिए है ई वाहन के लिए ठीक है कंपनी अभी है मुंबई बेंगलुरु दिल्ली अमृतसर जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है दैट इज ऑपरेशनल में है और इन लोगों का प्लान है कि पुणे और चेन्नई से मार्केट्स में भी इसका परिचालन हो इसमें डिमांड हो सो इसके लिए हरभजन सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन सी ने किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल दट इज बी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है

हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया व्हिच प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मदारी एंड दृश्यम पास्ड अवे रिसेंटली सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निशिकांत कामत निशिकांत कामत जी ने मदारी और दृश्यम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था

मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है आप देख रहे हो ये ब्रिज मणिपुर का ही है जो कि बहुत जो कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है कहा तैयार किया जा रहा है मणिपुर में ध्यान रखेंगे यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है एक तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा होगा आप समझ सकते हो कुतुब मीनार से भी ट्वाइस लंबाई में होगा यह यूरोप के मोन्टेनग्रो में बने एक मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा सो अभी करेंटली जो है मोन्टेग्रो यूरोप में मोन्टेग्रो में एक 139 मीटर मीटर हाइट का एक पुल है उसको उसका ये रिकॉर्ड तोड़ देगा या 141 मीटर का होने वाला है 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फॉल से पैंसठ किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांच गचिंग गांव में किया जा रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्वड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19th अगस्त 19th अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है ठीक है सो वर्ल्ड ह्यूमेनिटेरियन डे का शुरुआत कहाँ पे हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पैरा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसका नाम है पढ़ाई तुहार पैरा. So इसका क्या है इसका उद्देश्य है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना इसका उद्देश्य है सो so अभी करेंटली चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के तो भूपेश बघेल जी और वहां के गवर्नर कौन है अनुसुईया उइके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ने है क्वेश्चन नंबर 16 ड्रीम इलेवन ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं स्पेंडिंग व्हाट अमाउंट ड्रीम इलेवन हैज बाउट द स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर द आईपीएल 2020 सो so फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदा है ड्रीम इलेवन ने सो so, पहले हम लोग विवो आईपीएल कहते थे बट अब आपको कहना पड़ेगा ड्रीम इलेवन आईपीएल चूंकि विवो आईपीएल स्पॉन्सरशिप इस बार नहीं कर रहा है ड्रीम इलेवन स्पॉन्सरशिप कर रहा है सो so, आईपीएल पता है आप लोग इस बार कहा खेला जाएगा यूए में खेला जाएगा जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चलेगा सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है विच कैबिनेट मिनिस्टर इन फॉर्मर क्रिकेटर इन द यूपी गवर्नमेंट हैज डाइड ड्यू टू कोरोना सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेतन चौहान सो so, चेतन चौहान भारत के ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं चेतन चौहान जी जो 1969 से 1978 के बीच में 40 टेस्ट मैच खेल चुके हैं वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साल 1991 में अमरोहा से चुनाव जीत भी चुके हैं और वहां के सांसद भी रह चुके हैं सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बिन सेंड द नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न By द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कमेटी सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा रोहित शर्मा का नाम अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा पहलवान बिनेश फोगाट टेबल टेनिस प्लेयर कौन है मनिका बत्रा और, और मरियपन थंगावेलू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वोत्तम खेल सम्मान है प्लेयर के लिए सो so, राजीव गांधी खेल अवार्ड पाने वाले ये चौथे क्रिकेटर होंगे इनसे पहले सचिन तेंदुलकर एम एस धोनी और विराट कोहली को ये अवार्ड दिया जा चुका है so, सो इस्तीफा दे दिया है उसका नाम क्या है so, इलेक्शन कमिश्नर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक लवाशा अशोक लवाशा भी रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर के पद से रिजिग्नेशन दे चुके हैं सो so, इन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अभी करेंटली क्या करेंगे एशियाई विकास बैंक ए के उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज बीन लॉन्च बाय द गूगल फॉर इम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन इन इंडिया सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉर्मो जॉब एप्स अभी रिसेंटली गूगल ने कॉर्मो नामक एप्स लॉन्च किया है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने में क्या मिलेगी मदद मिलेगी तो so, गूगल के इस एप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी सो so, इसका कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो देश भर में कहीं भी वैकेंसीज होगी तो आपको इस ऐप में मिल जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मांत शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर परसेंटेज ऑफ ऑन प्रॉपर्टी टैक्स टू रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल इन द स्टेट सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हंड्रेड परसेंट इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एंड हॉस्पिटल्स को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य में धर्मांत शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100 परसेंट एग्जिमेशन दे दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेंटी टू स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में दो साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडियन क्रिकेटर हैज बाई स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा सो स्पोर्ट्स आईवीयर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को दो साल के लिए ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है Oakley. कहा की कंपनी है तो कैलिफोर्निया की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है रिसेंटली इन विच कंट्री अ टर्टल बॉर्न विथ गोल्डन सेल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल अभी नेपाल में एक रिसेंटली एक कछुए की खोज की गई है जिसका जो ऊपर का शेल होता है वो गोल्डन कलर का है सो so, आप देख सकते हो पिक्चर में गोल्डन कलर का शेल है सो so, इसका रंग जो होता है इस तरह का रंग कैसे होता है ये जेनेटिक की वजह से होता है सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल इन द क्लिन सर्वे टू सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली को कैपिटल में फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कितने वित्तीय संस्थानों पर दस दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी हैज इंपोज अ फाइन ऑफ टेन टेन लैख रुपीज ऑन हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वायलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड रूल्स सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेंटली अभी सेबी ने तीन कंपनी पर पे पे पेनाल्टी इंपोज किया है जो की है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईओ ऑफ एन पी सी आई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रितेश शुक्ला सो रितेश शुक्ला को अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है so, सो so, एन जो कंपनी है वो एन कंपनी की होली सब्सिडरी कंपनी है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सद्भावना दिवस कब मनाया गया वेन डिड द सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20th अगस्त 20th अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया और सद्भावना दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है सो so, या राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है हमारे तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में भी जाना जाता है ठीक है सो तो इस बार सेवेंटी सिक्स जयंती थी इसलिए सेवेंटी सिक्स सद्भावना दिवस मनाया गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को कौन प्रयोजित करेगा हु विल स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आइनॉक्स ग्रुप सो आइनॉक्स ग्रुप क्या करेगा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया टीम को स्पॉन्सर करेगा सो टोक्यो ओलंपिक कब खेला जाएगा तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक और टोक्यो ओलंपिक ऑब्वियसली टोक्यो में होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अगस्त को पहली बार तिरंगा फहराया गया? Where did इस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क सो इस बार सेवेंटी फोर्थ इंडिपेंडेंस डे के जश्न पर न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर में पहली बार तिरंगा फहराया गया न्यूयॉर्क में भारत के दूत रणधीर जायसवाल ने टाइम स्क्वायर पर स्वतंत्रता दिवस के एक विशेष स्मरणोत्सव के दौरान भारतीय ध्वज फहराया सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया हु वॉज अपॉइंटेड एज द एम एंड हेड ऑफ द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत जोशी प्रशांत जोशी को अभी डीबीएस के एमडी एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंट किया गया है सो डीबीएस बैंक हेडक्वार्टर कहां है सिंगापुर में और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरजीत सोम को ये रिपोर्ट करेंगे सो so ये किस पोस्ट पे जा रहे हैं तो एमडी के पोस्ट पे मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे सो so फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में अच्छे अच्छे कंटेंट पा सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग